अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, रेल बजट पर चर्चा हो रही है और आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियां बताने का काम किया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र 72 बलिया लोक संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। पूर्वांचल के तमाम लोग आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मजदूरी करने के लिए पश्चिम बंगाल और धनबाद तमाम इलाकों में काम करने के लिए गए। आज जहां हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है, वहीं बलिया से एक सियालदह की ट्रेन चलती है और बलिया से सियालदह की दूरी 679 किलोमीटर है, लेकिन वो दूरी ट्रेन जो है 18 घंटे 25 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर के एवरेज बताने वाले साथी, इसको भी आप ध्यान देने का काम कीजिएगा। अब आपके माध्यम से रेल मंत्री से कहना चाहता हूँ, ट्रेनों की जो स्पीड बढ़ रही है वो सबके लिए स्वागत योग्य है, लेकिन अपराध क्या है बलिया के लोगों का, अपराध क्या है गाजीपुर के लोगों का, अपराध क्या है देवरिया के लोगों का कि आज भी वो ट्रेन 30 किलोमीटर की रफ्तार से जो है सियालदह की दूरी तय करती है। खासतौर बलिया का अपराध क्या है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, कोई नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का काम नहीं करता था, आज़ादी की आपके देश की आज़ादी के लिए प्रथम कोई शहीद पैदा हुआ वो भी बलिया के धरती के थे, जिनका मंगल पांडे नाम है। क्या उनका अपराध था या सदन में एमएलए एमपी बनने के लिए सपना देख कर गोली खाने का काम किया था? जब देश आज़ाद नहीं था तो हिंदुस्तान के 3 जनपद आज़ाद हुए 1942 में, महाराष्ट्र का सतारा, पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश का बलिया। बलिया ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, यही बलिया के लोगों का अपराध है। बलिया ने छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी को दिया, यही बलिया के लोगों का अपराध है। बलिया ने जयप्रकाश नारायण को भी दिया, यही बलिया के लोगों का अपराध है। विकास की बात, 2,52,000 करोड़ के बजट पर चर्चा और बलिया जो इतिहास में अपना नाम सुरक्षा में लिखा हुआ है, आज एक अच्छी ट्रेन जो कलकत्ता जाए उसके लिए भी वंचित है। बलिया से सियालदह लोग जो है 19 घंटे में तय करते हैं। बलिया से वाराणसी के लिए वाया गाजीपुर कोई जो है अच्छी ट्रेन नहीं है। बलिया से पटना के लिए भी कोई इंटरसिटी ट्रेन नहीं है और आज रेल बजट पर चर्चा हो रही है, हम लाखों लाख करोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बलिया किसी और देश का भूभाग नहीं है, बलिया इस देश को सबसे अधिक संसद देने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश बसा हुआ जनपद है। वहां के लोगों की सुविधा के लिए बलिया से जो है सियालदह ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जाए। हम लोग जो है धर्मस्थलों पर जो है उसकी मान्यता है कि हम लोग जाते हैं तो मन को शांति मिलती है,
बलिया से हरिद्वार तक कोई सीधी ट्रेन चलाई जाए, बलिया से जो 350 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ स्थित है, उस 350 किलोमीटर की दूरी को जो है बलिया छपरा बलिया उस सड़क ट्रेन से 11 घंटे में तय करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बलिया को राजधानी से जोड़ने के लिए ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जाए। आप हमारे यहाँ से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है, एक अच्छी ट्रेन वाराणसी से चलती है, शिवगंगा एक्सप्रेस। शिवगंगा एक्सप्रेस जब वाराणसी पहुँचती है तो उसमें काफ़ी समय बचा हुआ है उसको दोबारा खोलने में। शिवगंगा एक्सप्रेस को जो है बलिया तक चलाने की जो है मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। जो हमारी ट्रेन गाजीपुर से सियालदह को जा रही है, सप्तभेदी एक्सप्रेस, उसको मैं बलिया से चलाने की मांग करता हूँ। मानी पांडे जी स्टार्ट करें। सर अभी तो भूमिका ही बांध रहे थे, मैं आपके हर आदेश को पालन करूँगा। सभी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के बजट का आकार भले ही बढ़ता जा रहा हो, जिस अनुपात में देश के बजट का आकार बढ़ रहा है उसी प्रारूप पर ये देश में जो है रेलगाड़ी और गाड़ियों का जो है एक्सीडेंट बढ़ रहा है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। 17 से 22 तक प्रत्येक साल जो है 56 लोग दुर्घटना में मारे गए, और 22 से 23 के बीच जो है अकेले 156 लोग मारे एक साल में। माने पांडे जी, और एक हफ्ता में 7 ट्रेन दुर्घटना हुई है। अगर यही रफ्तार रहा तो लोग ट्रेन की यात्रा को छोड़ देंगे और ट्रेन जो घाटे का सौदा है घाटे में चली जाएगी। ये देश का सवाल है, ये सुरक्षा का सवाल है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे रेल मंत्री जी हो, झूठे वादे जो किसानों को दिखाने का नाम न करें, वो जनता को जो आश्वासन दिए हैं उसके अनुरूप काम करने का काम करें। और मैं आपसे पुनः मांग करता हूं कि बलिया को जो है बलिया को दिल्ली से, बलिया को वाराणसी से, बलिया को पटना से, बलिया को जो है सियालदह से जोड़ने के लिए अधिक गति की ट्रेन चलाने की मांग करता हूँ। इसी साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद।